प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भी अवैध रेत खनन और परिवहन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वहीं अवैध रेत का परिवहन कर रहे खनिज माफियाओं द्वारा अवैध रेत की धुलाई और खाली कराई का कार्य नाबालिगों से करवाया जा रहा है, जहां अवैध रेत खाली कर लौट रहे ट्रैक्टर के पलटने से एक 16 वर्षीय नाबालिग की मौत मौके पर ही हो गई। सूत्रों की माने तो करहल से अवैध रेत का परिवहन कर पिपरानी कर्रे में रेत खाली कर करहल लौट रहे ट्रैक्टर के पलटने से गौरस और करहल के बीच एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि ड्राइवर के शराब के नशे में होने और ट्रैक्टर को तेज गति से चलाने के कारण यह हादसा हुआ। शेखपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग। सुरेश जी, ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी थी, कितने लोग घायल हुए इसमें? पांच लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत भी हो गई है। तो मौके पे ही मौत हो गई थी उसकी? कहाँ जा रहे थे ये और कहाँ से आ रहे थे? खाली करके ट्रॉली वापस करा ले जा रहे। काय की ट्रॉली भर के ले गए थे ये? रेता भर के ले गए थे, तो उसको खाली करके आ रहे थे। खाली करते वक्त कहाँ खाली करने गए थे ये? तो पुराने कर रही पे ट्रॉली खाली करने गए थे, तो वहाँ से लौट रहे थे। किस जगह पे हादसा हुआ ये? गोरस और कराल के बीच में ये हादसा हुआ। तो इसमें कितने बच्चे थे? सात लोग थे। बच्चे कितने थे इस ट्रॉली में? नाबालिग दो बड़े थे। तो ये क्या सभी लोग रेत खाली करते हैं? ये बच्चे जो थे ये भी रेत खाली करने का काम करते हैं? तो ये रेत खाली करवा के वहाँ से बच्चों सहित ये दो व्यक्ति जो है वापस लौट रहे थे। रेत कहाँ से भरी थी कराल में? कौन के यहाँ से भरी थी? कराल से भरी सर। कौन की पड़पे से? अच्छा, किसी फड़ से रेत भरी थी। वहाँ से रेत भर करके कर रही गए और कर रही से वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है। और यह चार कितने भर्ती हैं यहाँ पे जिला चिकित्सालय में? चार लोग यहाँ भर्ती है। भगत जी, क्या मामला था कराल में हुए एक्सीडेंट को लेकर? कितने लोग घायल हुए? ये ईंटों की भरी ट्रॉली कराई में खाली करके मजदूर लोग वापस कराल के लिए जा रहे थे, तो गोरस पे इन लोगों ने, ड्राइवर ने कुछ दारू मारू पी थी, बता रहा था ड्राइवर। गोरस से आगे चल के अनबैलेंस हो गया उनका ट्रैक्टर, फिर ट्रॉली पलट गई। उसमें चार व्यक्ति घायल सुपर में आ गए हैं, इनका उपचार यहाँ चल रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक की मृत्यु 16 वर्ष का बालक है, उसकी मृत्यु हो गई है, वो कराल ले गए हैं।